हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैम विद उजाला। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग कलेक्शन फ्रॉम मीशो। एंड इसमें मैंने लिया है कुछ अनारकली कुर्ती जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट में है। एंड यू नो, अभी समर साड़ी है तो अभी के टाइम पे ना ये सारे फ्लोरल प्रिंट और जितने भी लाइट कलर्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है पहनने में। एंड हल्के फुल्के कपड़े पहनना हर किसी को पसंद होती है। सो आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगे। लाइक आपको थोड़ी सी लो रेंज के कपड़े दिखेंगे, थोड़ी सी हाई रेंज के कपड़े दिखेंगे, थोड़ी पार्टी वेयर कपड़े हैं, एंड थोड़े से जो है ना वो डेली वेयर कलेक्शन। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, ये सारे आउटफिट आपको रीसेलिंग में भी मिल जाएंगे। तो रीसेलिंग में लेने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मेरी इंस्टा हैंडल है ग्लैम विद उजाला। एंड इतना कुछ मैं कर रही हूँ तो आप भी तो कुछ करोगे। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना है। ओके, तो चलो, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रही है ना, बस आपको वीडियो को पॉज करनी है, स्क्रीनशॉट लेनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है। ओके, चलो फर्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखकर आप खुद भी बताओगे। सो जब मुझे रिसीव हुई थी ना मीशो से ये पार्सल, तो ये इस तरह से आई थी। ओके, ये इस तरह से, मुझे तो लगा हो गई मेरे साथ कुछ गड़बड़। मुझे लगा कि मीशो से जो कभी कभी गलत कपड़े आ जाते हैं ना, वो मुझे आ गए, ये रद्दी पता नहीं क्या आया। फिर जब मैंने पैकेट को दूसरी साइड घुमाया तो मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा चलो थैंक गॉड बच गई, पैसे बचे मेरे। फर्स्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको अनारकली कुर्ती मिलती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। एंड इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलती है। फ्रंट में आप देखोगे ना, कुछ इस तरह की आपको वर्क मिल जाएगी, जो धागे के वर्क होते हैं ना वही है। एंड बैक साइड में आपको मिल जाती है इस तरह की डोरी, ये अनारकली है, ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड नीचे ना इस तरह की स्टिचिंग दी गई है, तो ये स्टिचिंग जो है ना, इसको देखकर घबराना मत, ये बस फ्लेयर बनाने के लिए दी गई है। ओके, एंड इंटरलॉकिंग वगैरह सब आपको मिलती है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इसे अपने साइज में स्टिच करवानी पड़ेगी। एंड अगर आप डबल एक्सल में हो तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। एंड इसमें आपको आप देख सकते हो इनर का फेब्रिक भी आपको मिलता है। ओके, इनर की फैब्रिक कुछ इस तरह की है, वाइट कलर की है, क्योंकि वाइट कपड़ा है उसके ऊपर प्रिंट है। ओके, इसके साथ मुझे वाइट पैंट मिली है। पैंट में आप देख सकते हो बॉटम में लेस मिलती है, इलास्टिक आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, डबल एक्सएल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसमें भी आपको इंटरलॉकिंग मिल जाती है। ओके, सो इसके साथ मुझे दुपट्टा भी रिसीव हुई है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की दुपट्टा है। दुपट्टे की लेंथ 2.5 मीटर है। एंड इस पर आपको इस तरह की सिल्वर लेस मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी, बट विड्थ आपको ये मिलेगी। ओके, सॉरी, विड्थ आपको इतनी सी ही मिलती है, बस लेंथ आपको 2.5 मीटर मिल जाती है। ओके, तो ये कुर्ती कैसी लगी आपको कमेंट करके आप बताना। मुझे बहुत अच्छी लगी इमेज देखकर, एंड जैसी मैंने इमेज में देखी थी ना, बिल्कुल वैसी ही रिसीव हुई है मुझे, तो मुझे ये अच्छी लगी है। मैं अच्छी बोलूँ इससे काम नहीं चलेगा, आपको भी बोलना है इसे अच्छा या बुरा, जो भी आपको लग रहा। ओके, सो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये भी थोड़ी सी सिंपल एंड एलिगेंट सी आउटफिट है। एंड मुझे खुशी है कि ये जैसी दिख रही थी मुझे वैसी रिसीव हो गई है, प्लस ये समर्स के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी। अगर आप समर में इसे पहनते हो तो बहुत खूबसूरत लगने वाली है आपके ऊपर। एंड कलर आपको पता है कौन सी है? ब्लैक कलर। मैं आपको पहले दिखा दूँ, याद है कुछ इस तरह से है पैकेजिंग, आप देख सकते हो नॉर्मल पैकेजिंग है। पहले मैं इसे हटाऊंगी फिर बात करूंगी। आप देख सकते हो अनारकली है, रेयन फैब्रिक है, मुझे लगा था चंदेरी होगी बट ये रेयन फैब्रिक में है। एंड इस तरह की वी नेक मिलती है आपको, स्लीव्स पे आप देख सकते हो कट स्लीव्स मिलती है, इस पे भी मरून कलर का कपड़ा लगा है। एंड गोटा पट्टी लगी आपको सेम वैसी मिलती है, ये अनारकली पैटर्न में है। बॉटम में आप देख सकते हो सेम जैसी स्लीव्स पे थे ना, वैसे ही कपड़ा आपको मिलता है इसकी बॉटम में। एंड गोटा पट्टी वगैरह लगी हुई है, एंड ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग वगैरह दी गई है, और सारे साइज में आई थिंक अवेलेबल थी। मेरा जो है ना एल और एक्सएल लेने का मकसद क्या होता है आपको पता है ना, रीसेलिंग।
सो ये आप देखो, इस तरह का दुपट्टा मिलता है आपको। दुपट्टा आपको सिफोन मटेरियल में मिलता है एंड इस पे भी आपको चारों साइड्स मैंने इस तरह की मरून कलर की पट्टी लगी हुई है एंड इस पे गोटा पट्टी का वर्क है। ओके एंड मुझे इसकी बॉटम में कुछ नहीं मिली है, बस कुर्ता और दुपट्टा मिली है। इसके साथ आप चाहो तो ब्लैक कलर की लेगिंग्स ले सकते हो, चलेगा। ओके वैसे अपनी हाइट भी आप मेरे अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कहाँ तक आएगी। ओके सो चलो, होली आ रही है ना, तो होली रिलेटेड थोड़ी सी कलरफुल आउटफिट तो बनता है ना दिखाना। एंड अभी जो है ना, थोड़े से कलरफुल आउटफिट देखकर ना मेरा भी मन ऐसे कलरफुल सा हो गया। मुझे देख देख कर मन हो रहा था ले लूँ ले लूँ ले लूँ। सो मैंने लिया है कलरफुल सी अनारकली, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ पहले सी, कुछ इस तरह से पैक होकर आई है, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। अनारकली जो है ना, आप देख सकते, स्ट्रैपी शोल्डर्स मिलते हैं इसमें, सिल्वर कलर की गोटा पट्टी मिलती है आपको, इस तरह के स्ट्रैपी शोल्डर्स मिलते हैं आपको, गोटा पट्टी मिलती है एंड कलर आप देखो कितनी कूल टोन में है। इसमें बहुत खूबसूरत प्रिंट हो रखी है, ये आप देख सकते हो। अनारकली है एंड बॉटम इसकी कितनी प्यारी है, बॉटम में आपको इस तरह के झालर काइंड ऑफ मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही है। एंड इस पर भी ना सिल्वर गोटा पट्टी लगी हुई है, और ये फ्रंट में ही नहीं बैक में भी आपको मिलेगी। और ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सी थ्रू है एंड इनर की फैब्रिक आपको कुछ इस तरह की मिलती है। ओके ये थोड़ी सी ब्राइट है एंड इसमें भी इंटरलॉकिंग वगैरह दी गई है। थोड़ी सी मैं मार्क्स काटूंगी इस आउटफिट के, इसके साथ ना बॉटम भी होनी चाहिए थी, बस आपको दुपट्टा ही मिलता है एंड 1500 में अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसमें बॉटम देना चाहिए, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना, आप बताना कमेंट करके। तो इसमें मुझे दुपट्टा काफ़ी अच्छी मिली, जैसी कुर्ती थी ना बिल्कुल वैसी ही दुपट्टा मिली है, ये आप देख सकते हो। इसकी भी लेंथ काफ़ी अच्छी है, विड्थ काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हो, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है एंड कलर्स की तो मैं फ़ैन हूँ, इतनी सुंदर कलर प्रिंट है ना, क्या बताऊँ मैं। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो एंड मेरे साथ शेयर ज़रूर करना जब भी आप कुछ मेरे रिकमेंडेशन पे लेते हो तो। ओके एंड अगर आप रीसेलिंग में लेते हो तो अपनी एक्सपीरियंस वीडियो के नीचे भी शेयर कर सकते हो, इससे जो भी न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल पे, न्यू आ रहे हैं, उनको समझ में आएगी रीसेलिंग की लोगों को कैसा आउटफिट मिल रहा है, कैसे कैसे लेते हैं, तो ये ना जो और भी लोग हैं ना उनकी डाउट क्लियर हो जाएगी। ओके तो छोटी सी फेवर कर देना। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है एक गाउन, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पैक होकर। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो बहुत अच्छी है, बस मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ओके तो ये जो गाउन है ना, ये कुर्ती बहुत ही सिंपल है, ये आप देख सकते हो नॉर्मल सी कुर्ती है, सी अनारकली कुर्ती है, रेड कलर की है, ये आप देख सकते हो एंड इसमें जो है ना आपको इनर की फैब्रिक भी मिल जाती है, ये आप देख सकते हो इनर की फैब्रिक एंड ये बिल्कुल सिंपल जॉर्जेट का कपड़ा है। ओके अनारकली आई मीन एंड इसके ऊपर जो है ना बहुत ही हेवी सी स्रग्स दी हुई है, ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेवी एंड खूबसूरत है एंड इसका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक बिल्कुल भी हार्ड वाली वर्क नहीं है इस पर, आप देख सकते हो थ्रेड वर्क है एंड इसके साथ सीक्वेंस के वर्क है जो कि बहुत अच्छी लग रही है एंड ये आप देखो, मैं साइड में पहनकर भी दिखा दूंगी, आप देख सकते हो एंड इसकी स्लीव्स देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, इस पर आपको गोटा पट्टी, इस पर आपको लेस मिल जाती है गोल्डन कलर की एंड इसकी फेब्रिक वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ कोई भी बॉटम नहीं रिसीव हुई है, ना ही इसके साथ मुझे कोई दुपट्टा रिसीव हुई है, बट ये कुर्ती सॉरी ये गाउन जो है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी अनारकली सेट है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें दो कलर्स मिल रहे थे, आई मीन नो थ्री कलर्स मिल रहे थे, एक पिंक मिल रही थी, स्काई ब्लू एंड एक मॉव कलर मिल रही थी, मैंने मॉव ली क्योंकि मुझे मॉव ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड पिंक तो मतलब कहीं भी मिल जाती है, ऐसे वैसे कुछ भी देखो पिंक में मिल जाती है, बट मॉव कलर जो होती है ना थोड़ी सी स्टैंडर्ड लगती है। ये मॉव कलर मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मॉव कलर जो होती है ना हर एक एज ग्रुप के साथ चली जाती है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो ना, अगर आप थोड़े से हेवी कपड़े पहन रहे हो एंड कलर्स
अच्छे से चूज करते हो ना तो वो आपके ऊपर ओवर नहीं लगता। एंड मॉव कलर जो होती है ना वो काफ़ी सही लगती है, सटल लगती है हर एक एज ग्रुप के साथ, तो इसलिए मैंने मॉव कलर लिया है। सो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कुर्ती है, अनारकली पैटर्न में है, सी इस तरह की पेपलम कुर्ती है ये। इस पर सीक्वेंस के वर्क है, जरी के वर्क है, आप देख सकते हो बॉटम में, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही आपको सेम वर्क मिल जाती है। ओके, एंड इसके ऊपर पूरा जरी वर्क है कुर्ती के ऊपर, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। ओके, और इसकी नेकलाइन मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की राउंड शेप में है। ओके, आपको एक्स्ट्रा स्लीव्स का कपड़ा भी मिल जाता है, सो स्लीव्स की भी कोई टेंशन नहीं है। एंड इसमें आपको पैंट मिल जाती है कुछ इस तरह की, पैंट बिल्कुल सिंपल आपको मॉव कलर में मिलती है। ओके, फ्री साइज में है ये, इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है। एंड इसकी दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह की दुपट्टा मिलती है आपको, 2.5 मीटर इसकी भी लेंथ है। एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो सीक्वेंस एंड जड़ी के वर्क है, मिड में आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको सीक्वेंस के वर्क राउंड शेप में मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आप देख सकते हो। तो ये मेरी फेवरेट कलर नहीं है, लेकिन मुझे जो 2-3 कलर्स थे ना इस आउटफिट में, वो उसमें से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। ओके, ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। एंड मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइज।